आरंभ हेला संसदर शीतकालीन अधिवेशन। भारतर G20 अध्यक्षताकु नेई प्रधानमंत्रीक वक्तव्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिंकु प्रशंसा। संसदरे शीतकालीन अधिवेशनर प्रथम दिनरे प्रधानमंत्री गणमाध्यमकु निजर प्रतिक्रिया देइछंती। नुआ करि आसीथिबा संसद मानकर कष्ट बुझिबा सहित संसदरे बाधा विघ्न सृष्टि न करिबा पई समस्त राजनैतिक दलगुडीकु निवेदन करिछंती प्रधानमंत्री। मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें। भारतर G20 नेतृत्व विषय कहिबाकु जाय प्रधानमंत्री कहिछंती एहा सामान्य कूटनैतिक कार्यक्रम नुहे, देशर सामर्थ्य प्रतिपादन करिबा पई एहा एक सुजोग। जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है, जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। राज्यसभा को प्रथम थर पई अध्यक्षता करितिबा उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर को प्रधानमंत्री समेत सांसद माने अभिनंदन जणाइथिले। भारत में वर्तमान एक नूतन परंपरा प्रतिष्ठा करा जायतिबा नै कहितिले केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल। साधारण पृष्ठभूमि राजनीतिक नेता तथा साधारण जीवन जापन करुथिबा व्यक्तित्व माने वर्तमान शीर्ष पदवीरे अछन्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जने शिक्षक थिले। ओडिशार एक आदिवासी बेल्ट्रे थिबा एक छोट विद्यालयरु से वर्तमान राष्ट्रपति होइछन्ति। उपराष्ट्रपति जने चासी पुत्र थिले, सेहिपरि प्रधानमंत्री जने चा बिकाळी थिले बोली एही अवसर रे कहिछन्ति केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल। ये जो नई परंपरा है कि समाज के अंदर ये चेतना जगी है, समाज में एक विश्वास जगा है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं, लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। मैं समझता हूँ उसका एक प्रतीक आप भी हैं और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। तेबे देश को विकास रो नूतन शिखर को नेबा और सांप्रतिक वैश्विक परिस्थिति रे देश को आगे नेबा पई नुआ सुजोग प्रति ध्यान देबानी चलित अधिवेशन रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।